हेलो एंड वेलकम टू मैम, हमारे सिलेक्शन और आप हमारे साथ जुड़ चुके हैं स्पेशल कोर्स क्लास में और आज हैं आप मैथ्स की क्लास में और आज हम लेकर आए हैं आपके टाइम एंड वर्क। जी हाँ, आज से हम टाइम एंड वर्क को शुरू करने वाले हैं। इससे पहले भी एवरेज परसेंटेज एंड प्रॉफिट एंड लॉस मैंने पढ़ा दिया है पिछले वीडियोज़ में, तो आप हमारी प्ले लिस्ट पर जाइए और उन सारे वीडियोज़ को भी देख कर उन पर भी प्रैक्टिस कीजिए। तो ये आज हम शुरू करने वाले हैं टाइम एंड वर्क, यानी कि समय और कार्य। काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है, किसी भी परीक्षा की बात करें तो समय और कार्य ये टॉपिक, बैंक एग्जाम्स की बात करें, एसएससी एग्जाम्स की बात करें या फिर किसी भी जनरल कंपटीशन की बात करें जिसमें कि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड या फिर न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड पूछा जाता हो, तो उसमें टाइम एंड वर्क से रिलेटेड क्वेश्चंस डेफिनेटली होते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे बिल्कुल भी हम मिस या इग्नोर नहीं कर सकते। तो आज के सेशन में हम सीखने वाले हैं टाइम एंड वर्क होता क्या है, इसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स और किन किन टाइप से क्वेश्चंस आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ क्या होता है कि समय और एक कार्य, समय और कार्य का क्या रिश्ता है, कैसे वो प्रोपोर्शनल है या वो, ये सब हम इस चैप्टर में देखेंगे। चलिए मान लेते हैं कि एक व्यक्ति है ए और एक व्यक्ति है बी। ए जो है वो किसी काम को पूरा करने में x दिन का समय लेता है और बी उसी काम को पूरा करने में y दिन का समय लेता है। तो अब ये एक्स वाई जो बना वो क्या है, उस पूरे काम का समय है। तो एक दिन का वक्त कितना होगा, वन डे वर्क हमारे पास होगा 1/x। और वैसे ही वाई का वन डे वर्क कितना होगा, वन डे वर्क हमारे पास होगा 1/y। तो अगर आप दोनों मिलकर काम करें, ए प्लस बी दोनों मिलकर काम करें, तो वो एक दिन में कितना काम करेंगे, 1/x प्लस 1/y। ये क्या है, ए प्लस बी वन डे वर्क। तो यहाँ पे हम क्या निकाल रहे हैं, हम निकाल रहे हैं ए प्लस बी एक दिन में कितना काम करते हैं। तो ये हमारे पास नीचे क्या आएगा, ये हमारे पास आएगा एक्स वाई, एक्स प्लस वाई। तो ये एक दिन में कितना काम करते हैं, एक दिन में एक्स प्लस वाई बाई एक्स बाई वाई काम करते हैं। ये क्या है हमारा वर्क। तो इस पूरे काम को करने में उन्हें कितना वक्त लगेगा ये हम कैसे निकालेंगे, ये हम बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। नंबर ऑफ डेज के लिए हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ डेज के लिए हम कुछ भी नहीं करेंगे, इसे रिवर्स कर देंगे। तो एक्स वाई बाई एक्स प्लस वाई, ये हमारे पास एक फॉर्मूला बन गया है। तो अब जब भी कभी ऐसी परिस्थिति हो जिसमें केवल दो व्यक्ति हों, ए और बी, और ए किसी काम को एक्स दिन में और बी किसी काम को वाई दिन में कर रहा हो, तो हमसे ये पूछा जा रहा हो कि ए प्लस बी मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे, तो हमें कुछ नहीं करना, बस इस फॉर्मूले पर वैल्यूज पुट करनी है, एक्स वाई बाई एक्स प्लस वाई, और हमारा आंसर हमारे पास होगा। तो ये था हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट। इस कॉन्सेप्ट से भी हम सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन वो क्या हो जाएगा, हमारे पास लेंथी हो जाएगा। तो हम इन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, टाइम एंड वर्क के किसी भी क्वेश्चन को हम सॉल्व करने के लिए एलसीएम मेथड सीखेंगे। एलसीएम मेथड से हम कैसे करेंगे टाइम एंड वर्क के क्वेश्चंस को, ये आज की वीडियो में हम सीखेंगे। और किस किन टाइप्स के क्वेश्चन अलग अलग पूछे जाते हैं, उन सारे क्वेश्चंस पे हम प्रैक्टिस भी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को। आज के सेशन में जो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है टाइम एंड वर्क से रिलेटेड, वो क्या है, ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 10 डेज, ए 10 दिनों में करता है और बी उसी काम को 15 दिनों में करता है। तो ये क्या है हमारे पास, डेज है। इन हाउ मेनी डेज बोथ विल कंप्लीट, सेम क्वेश्चन है जो मैंने अभी कॉन्सेप्ट कराया कि ए अगर किसी काम को 10 दिन में करता है, बी उसी काम को 15 दिन में करता है, तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में करेंगे। इसके लिए हमने क्या फॉर्मूला देखा था, हमने फॉर्मूला देखा था एक्स वाई बाय एक्स प्लस वाई, यानी कि ये हमारे पास कितना आएगा, ये हमारे पास 10 × 15 / 10 + 15, ये सॉल्व होके हमारे पास कितना आएगा, 150/25, यानी कि 6 डेज, यानी ए और बी मिलकर उस काम को 6 दिनों में पूरा कर लेंगे। तो हमारा ऑप्शन ए जो है फर्स्ट, वो बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, ए बी एंड सी कैन कंप्लीट अ वर्क इन 12 डेज 15 डेज 20 डेज रेस्पेक्टिवली, इन हाउ मच टाइम टुगेदर दे कंप्लीट द होल वर्क। यहाँ पे कितने व्यक्ति हैं, 3 व्यक्ति हैं। प्रश्न तो बिल्कुल पहले जैसा ही है, सिमिलर क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पे 3 व्यक्ति हैं, ए बी और सी। तो इसे हम कैसे करेंगे, इसे हम एलसीएम मेथड से इस क्वेश्चन को हम करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। ए है हमारे पास, बी है हमारे पास और सी है हमारे पास।
ए के पास कितने, ए 12 दिनों में, बी 15 दिनों में और सी 20 दिनों में। तो हम क्या करेंगे, इन तीनों का एलसीएम दे देंगे। 12, 15 और 20 का एलसीएम हमारे पास 60 आएगा। तो अब हम देखेंगे, तो ये 60 जो निकल के आया ना एलसीएम, क्या हुआ हमारे पास, ये हमारे पास हुआ टोटल वर्क, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी को मिलकर टोटल 60 काम करने हैं। अब देखिए, अब हमारे पास 12 बाय ए है, 15 बाय बी है और 20 बाय यहाँ सी। तो ए जो है एक दिन में कितना काम करेगा, 5 काम करेगा, बी जो है एक दिन में 4 काम करेगा और सी एक दिन में 3 काम करेगा। तो ये है एक दिन का वर्क, ये इन सब का एक दिन का वर्क है। तो ए प्लस बी प्लस सी वन डे वर्क कितना होगा, ए प्लस बी प्लस सी यानी कि तीनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे, ये काम करेंगे 5 + 4 + 3 यानी कि ये काम करेंगे 12। तो अब एक दिन में 12 काम करते हैं और 60 काम करना है टोटल, तो वक्त कितना लगेगा, वक्त लगेगा 5 दिनों का। 5 दिन में ए प्लस बी प्लस सी मिलकर काम को पूरा कर लेंगे, यानी कि हमारा ऑप्शन 3 जो है 5 डेज बिल्कुल सही आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, ए कैन कल्टिवेट 2/5 ऑफ द लैंड इन 6 डेज, बी कैन कल्टिवेट 1/3 ऑफ द सेम लैंड इन 10 डेज, वर्किंग टुगेदर ए एंड बी कैन कल्टिवेट 4/5 ऑफ द लैंड। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ए जो है वो एक जमीन के 2/5 भाग को 6 दिनों में कल्टिवेट करते हैं, बी उसी जमीन के 1/3 भाग को 10 दिनों में कल्टिवेट करते हैं। तो दोनों मिलकर उस जमीन के 4/5 भाग को कितने दिनों में कल्टिवेट कर लेंगे। चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं, काफी अच्छा प्रश्न है। ए जो है 2/5 काम करता है 6 दिनों में, तो वो एक काम कितने दिनों में करेगा, वो एक काम करेगा, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमारे पास 6 × 5 यानी कि 15 दिनों में वो काम करेगा। ठीक उसी तरह से बी 1/3 काम करता है 10 दिनों में, तो वो एक काम कितने दिन में करेगा, 30 दिन में। तो अब हमारे पास क्या निकल के आ गया, ए पूरे काम को 15 दिन में और बी उसी काम को 30 दिन में करेगा। चलिए आगे सॉल्व करते हैं इसे। अब हमारे पास क्या है, ए 15 दिन और बी 30 दिन। हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेके भी हम निकाल सकते हैं कि ये मिलकर पूरे खेत को कितने दिन में करेंगे, लेकिन हम अपने फॉर्मूला मेथड पे आएंगे और फॉर्मूला मेथड हमारा क्या है, 15 × 30 / 15 + 30। तो ये हमारे पास कितना आएगा, ये हमारे पास 450/45 यानी कि 10 दिन। तो ए प्लस बी जो है मिलकर पूरे खेत को 10 दिन में करते हैं, होल खेत को 10 दिन में करते हैं। तो 4/5 खेत को वो कितने दिन में करेंगे, पूरा एक पूरा काम वो 10 दिन में करते हैं। 4/5 काम को वो कितने दिनों में करेंगे, वो 10 × 4/5 यानी कि 8 डेज में करेंगे, यानी कि दोनों मिलकर खेत के 4/5 भाग को 8 दिनों में जोत देंगे। तो हमारा सही आंसर क्या होना चाहिए इस प्रश्न के लिए, ऑप्शन 2 8 डेज हमारा सही आंसर होना चाहिए। चलिए अब आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है वो ये है कि ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 7 डेज ऑफ 9 आवर्स ईच, यानी कि ए जो है 7 दिन 9-9 घंटे काम करता है, बी 6 दिन 7 घंटे काम करता है। तो दोनों मिलकर अगर एक दिन में 8 × 2/5 घंटे काम करते हैं तो कितने दिनों में काम को ख़त्म कर लेंगे। तो अब ए जो है 7 दिन 9 घंटे काम करता है तो टोटल 63 घंटे काम करता है और बी 42 घंटे काम करता है। इसका अगर हम एलसीएम लेंगे तो ये हमारे पास 126 आएगा। आगे हम करेंगे तो ये हमारे पास कितना आएगा, ये हमारे पास 2 और ये 3 यानी कि एक घंटे में ए 2 काम करता है और एक घंटे में भी 3 काम करता है। तो ये हमारे पास निकल गया। तो दोनों मिलकर एक घंटे में कितना काम करेंगे, ए प्लस बी 1 आवर वर्क, दोनों मिलकर 5 काम करेंगे, 3 + 2 = 5 काम करेंगे। अब 126 काम करना है और एक घंटे में 5 काम करते हैं तो टोटल टाइम लगेगा 126/5 घंटे। इस काम को करने में उन्हें टोटल 126/5 घंटे लगेगा, लेकिन प्रश्न में हमसे क्या पूछा गया है, प्रश्न में हमसे पूछा गया है दिन में, हमें डेज में बताना है। तो एक दिन में वो कितना काम कर रहे हैं, 8
टू बाई फाइव आर काम कर रहा है, एक टू बाई फाइव हमारे पास कितना बन जाता है, ये 42/5 आर बन जाता है। तो अब हम इसे करें और पूरा वक्त कितना लग रहा है, 126/5 घंटे, और करना कितने देर है, 42/5 घंटे। तो यहाँ से हमारे पास डेज निकल के आ जाएंगे, इसे जब हम इक्वेट करेंगे तो ये कितना होगा, 3 डेज, 3 दिन का वक्त लगेगा, यानी कि हमारा ऑप्शन 3 डेज करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है वो है कि ए और बी किसी काम को 12 दिन में और 18 दिन में कर सकते हैं। ए जो है वो काम करना शुरू करता है और ए और बी मिलकर काम करते हैं कैसे, ऑल्टरनेटिवली, एक बार ए करता है फिर बी करता है, फिर ए करता है फिर बी करता है, तो काम कितने दिनों में कंप्लीट होगा ये हमें बताना है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ए है हमारे पास, बी है, ए 12 दिन, बी 18 दिन, एलसीएम हमने लिया तो ये 36 आया, तो ये हमारे पास क्या आया, 12 आया बाय ए, और ये हमारे पास 18/बी। तो ए एक दिन में कितना काम करता है, 3 काम, और बी एक दिन में 2 काम करता है। तो काम कैसे हो रहा है, पहले ए करेगा फिर बी करेगा फिर ए करेगा फिर बी करेगा, ए कितना काम करेगा, 3 काम, बी 2 काम, फिर 3 काम, फिर 2 काम, ऐसे ही ये काम जो है वो बढ़ते जाएगा। तो 2 दिन में कितना काम हो रहा है, 2 दिन में 2 डे वर्क कितना है, 2 दिन में 2 डेज में 5 काम। तो एक दिन में कितना काम होगा, 1 दिन में 2.5 काम होगा, दोनों मिलकर ए प्लस बी मिलकर 1 दिन में 2.5 काम करेंगे। तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे कि इसका नियरेस्ट मल्टीपल ले लेंगे, मतलब 36 है तो ये 2.5 से डिविजिबल नहीं है, 35 जो है हमारा 2.5 से डिविजिबल है, तो टोटल टाइम कितना लगेगा, 35 काम करने में टोटल टाइम 14 दिन लगेगा। तो 35 काम तो हो गया, अब बचा 1 काम, तो 1 काम कौन करेगा, 35 काम तो इन लोगों ने कर लिए, 1 काम फिर से ए करेगा, जो शुरू करता है वही काम को ख़त्म करता है। तो ए जो है वो 1 काम करेगा और रोज़ वो 3 काम करता है, तो 1/3 दिन का उसे समय लगेगा, तो टोटल टाइम कितना होगा, 14/3 डेज। तो हमारा सही आंसर क्या होगा, ये नंबर मिस्टेक है, ये 14 है, 14/3 डेज। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है वो है कि पी कैन डू हाफ ऑफ द वर्क इन 20 डेज, यानी कि पी हाफ काम करता है 20 डेज में, और तो अगर वो हाफ काम करता है तो वो 1 वर्क कितने दिन में करेगा, 40 दिन में करेगा, यहाँ से हमारे पास ये डिराइव हो गया। देन हमारे पास क्या है, क्यू कैन डू 1/3 ऑफ द वर्क, सो क्यू 1/3 काम करता है 20 दिनों में, तो क्यू 1 वर्क कितने दिन में करेगा, 1 वर्क करेगा वो 60 डेज में। हाउ लॉन्ग विल इट टेक फॉर बोथ ऑफ देम टू फिनिश द वर्क इफ पी स्टार्टेड द वर्क एंड दे वर्क ऑन ऑल्टरनेटिव डे, अगर पी ने काम शुरू किया वो अल्टरनेटिव डेज पे काम कर रहे हैं, मतलब एक दिन पी एक दिन क्यू एक दिन पी एक दिन क्यू, तो काम कितने दिनों में ख़त्म होगा ये हमें बताना है। चलिए बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है जैसे हमने पहले किया, बिल्कुल वैसे ही है। तो अभी हमारे पास क्या है, पी है क्यू है, पी को 40 दिन और क्यू को 60 दिन, एलसीएम हमने लिया तो एलसीएम हमारे पास क्या आ गया, एलसीएम हमारे पास 120 आ गया, 120 है तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये 3 है और ये 2 है, तो P प्लस क्यू 2 डे वर्क, 2 दिन का काम कितना है, 2 दिन का काम है उनका 5, तो 120 काम को करने में उन्हें दिन कितने लगेंगे, 120 काम करने में उन्हें 24 दिन लगेंगे। पिछले वाले में क्या था कि जो हमारा वर्क निकल के आया था वो मल्टीपल नहीं था हमारे टोटल वर्क का, लेकिन यहाँ पे ये मल्टीपल है इसलिए डायरेक्टली यहाँ डिवाइड हो गया और हमारे पास दिन निकल के आ गया 24 डेज, यानी कि हमारा ऑप्शन 4 जो है वो करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है वो ये है कि अरुण कैन डू 50% ऑफ द जॉब इन 16 डेज, अरुण जो है वो 50% काम करता है 16 दिनों में, तो वो 100% यानी कि पूरा काम कितने दिनों में करेगा, 32 दिनों में। देन विवेक जो है वो 1/4 काम करता है, 1/4 कितना होगा, 25%, 24 दिनों में, तो विवेक जो है वो 100% काम कितने दिनों में करेगा, विवेक जो है 100% काम 96 डेज में करेगा। इन हाउ मेनी डेज कैन दे डू 3/4 ऑफ द जॉब वर्किंग टुगेदर, तो दोनों मिलकर पूरे काम का 3/4 हिस्सा कितने दिनों में कर सकते हैं। तो चलिए ए हमारे पास कितना है, 32, बी हमारे पास 96,
एलसीएम हमने लिया तो हमारे पास क्या आया 96। अब आगे हम करते हैं तो ये 32/a और ये हमारा 96/a, ये हमारे पास कितना आता है, ये हमारे पास 3 आएगा और ये हमारे पास 1 आएगा। यानी कि ए एक दिन में 3 काम करता है और बी एक दिन में 1 काम करता है। और काम हमें करना कितना है, टोटल वर्क ये हमारा क्या होता है, ये हमारा टोटल वर्क होता है। तो टोटल वर्क तो हमें करना नहीं है, हमें टोटल वर्क का 3/4 करना है, यानी कि 96 का 3/4 करना है। 96 का 3/4 हमारे पास कितना आएगा, 72 वर्क। तो 72 काम करने हैं और एक दिन में ए प्लस बी कितने काम करते हैं, 4 काम करते हैं। तो नंबर ऑफ डेज कितने होंगे, 72/4 18 दिन। 18 दिन में ए प्लस बी मिलकर काम को कर लेंगे। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन डी 4th 18 डेज हमारा करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है वो है कि शिवम कैन डू अ वर्क इन 18 डेज। तो शिवम जो है वो 18 दिन में करता है, नीलेश उसी काम को 16 डेज में करता है। इफ़ दे वर्क टुगेदर फॉर 6 डेज, अगर दोनों मिलकर 6 दिन के लिए काम करें तो कितना काम बचा हुआ है, ये हमें बताना है। चलिए सबसे पहले तो एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम हम लेते हैं तो ये हमारे पास 144 एलसीएम आता है। तो 18/s और 16/n। तो जो शिवम है वो एक दिन में कितने काम करेगा, 8 काम करेगा और नीलेश एक दिन में 9 काम करेगा। तो एक दिन में शिवम प्लस नीलेश वन डे में उन्होंने कितना काम किया, 8+9 कितना हुआ हमारे पास, 17 वर्क। तो 6 डेज में वो कितना काम करेंगे, 6 डेज में 17 × 6 यानी कि वो 102 काम करेंगे। टोटल काम कितना है, 144। काम लेफ्ट कितना हुआ, वर्क लेफ्ट 144 − 102। तो ये हमारे पास कितना काम बच गया, हमारे पास 42 काम बच गया। कितने में से, 42 काम हमारे पास बचा है 144 में से। आगे इसे सिंप्लीफाई हम जब करते हैं तो ये हमारे पास 7/24 आता है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 1 7/24 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, काफ़ी बार एग्जाम्स में पूछा जाता है। अभिषेक एंड भावेश कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 72 डेज। यानी अभिषेक और भावेश है तो वो 72 दिनों में करते हैं। भावेश और चेतन 120 दिनों में करते हैं। अभिषेक और चेतन उस काम को मिलकर 90 दिनों में करते हैं। तो तीनों मिलकर यानी कि अभिषेक, भावेश और चेतन मिलकर कितने दिनों में इस काम को पूरा करेंगे, ये हमें बताना है। चलिए इसको करते हैं। सबसे पहले एलसीएम मेथड हम बेस्ट है उसे ही यूज़ करेंगे। 360 हमारा एलसीएम होगा और यहाँ पे हमारे पास कितना आएगा, ये हमारे पास आएगा 72/a+b, ये हमारे पास आएगा 120b+c एंड 90 हमारे पास a+c। तो ये हमारे पास कितना होगा, ए प्लस बी मिलकर एक दिन में 5 काम करेंगे, बी प्लस सी मिलकर एक दिन में 3 काम करेंगे और ए प्लस सी मिलकर एक दिन में 4 काम करेंगे। हमारे पास क्या आया, हमारे पास आया ए प्लस बी प्लस बी प्लस सी प्लस ए प्लस सी, टोटल 5+3+4 12। तो ये हमारे पास सारे क्या हो गए, डबल डबल हो गए। तो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ए प्लस बी प्लस सी 12। सिंगल अगर करें तो ए प्लस बी प्लस सी हमारे पास 6, यानी ए प्लस बी प्लस मी यानी कि अभिषेक, भावेश और चेतन मिलकर एक दिन में 6 काम करते हैं, एक दिन में 6 काम करते हैं। उन्हें टोटल काम कितने करने हैं, 360 काम करने हैं, 6 काम एक दिन में करते हैं। तो टोटल डेज कितने लगेंगे उन्हें, 60 डेज लगेंगे। यानी कि हमारा जो ऑप्शन 3 है 60 डेज वो क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। तो ये थे हमारे टाइम एंड वर्क के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। बाकी के बचे हुए टाइप्स और उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस को हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और अगर आप हमारे साथ पहली बार जुड़े हैं तो महामाया सिलेक्शन को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।